तो सर हमारे पास डॉक्टर बारी साहब तशरीफ ले आए हेलो हैं। तो सर डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा आप थोड़ा सा 15 मिनट छोड़ दें सर इनको भी। तो डॉक्टर अच्छा बारी साहब जो है ये कराची के सन ऑफ द सॉइल है माशाल्लाह। बारी साहब सर आने सर सामने, मैं आप काल का सा ज्यादा तारुफ नहीं कराऊंगा ताकि अल्लाह ताला ही बढ़े एक्चुअली। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुल इन्नल फजल बियदिल्लाह, सारा का सारा अल्लाह का फजल है। यूती ही मन यशा, जिसको चाहता है वो दे देते हैं। सुभान अल्लाह वल्लाह यख्तसु बिरहमति ही सुभान मन अल्लाह यशा, जिसको अल्लाह चाहते हैं अपनी रहमत के लिए चुन लेते हैं। तो हमारे डॉक्टर बारी साहब भी जी, ये हार्ट सर्जन है सर कराची में, और ये भी कॉलेज में ही थे, इनके वालिदैन की दुआएं इनको। और चंद सर जुमले कह दूं डॉक्टर साहब मुख्तसर सादा से, तो वहीं से सर यहाँ पर एक धमाका हुआ था सर कराची में डॉक्टर साहब 80s में कहीं। तो वहां पर वो बेचारे परेशान हाल थे, खून नहीं मिल रहा था, तो वहां पर डॉक्टर बारी साहब ने मिलके अपने सीनियर्स के साथ, ये भी इसमें शामिल थे, ब्लड एक ग्रुप बनाया, फिर हार्ट सर्जन के तौर पर इन्होंने खिदमत दी। तो अल्लाह जी ताला ने उसकी वजह से एक जी हस्पताल बनाने की इनको तौफीक दी, जी और ये एक ऐसा अस्पताल है इंडस अस्पताल, आप जानते होंगे डॉक्टर साहब, जो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ये मुफ्त दे रहे हैं। क्या ये बाकी सारे जरा म्यूट कर दे प्लीज, मैं सारे म्यूट कर रहा हूँ सिवाय, तो जनाब मैं 1 मिनट जरा सारे म्यूट ऑल कर देता हूँ। बारी साहब दोबारा अनम्यूट कर दे जरा, बारी साहब जरा अनम्यूट कर दे। जी अच्छा जी जी जनाब, जी बारी साहब, तो जनाब बारी साहब प्लीज वेलकम। तो आज हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे तकरीबन 125 लोग इस वक्त अवेलेबल हैं सर, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर मुल्तान फैसलाबाद गुजरांवाला। तो मकसद आज हमारा ये कोर्स है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप भी है और अल्टरनेटिव मैनेजमेंट भी है, इंसानों को दुनिया में काम करने के लिए क्या रीजन, पैसा के अलावा भी कोई मकसद है, क्या तनख्वाहों के बगैर भी लोगों को इंगेज किया जा सकता है। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ी सी अपनी कहानी भी शेयर कर दें, हमारे कोयटा से भी हैं इस वक्त, डेरा बुक्टी से भी हैं, तो अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे सर। जी भाई साहब, ड्यूटी खोल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश भाई साहब, शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, जी 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 रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। क़ालू सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। तो मैं सिर्फ अपना एक जर्नी हमने शुरू की थी इंडस हॉस्पिटल जहाँ पहुंचा है आज जहाँ पर है, उसका स्टार्ट मैं लेता हूँ जरा डॉ मेडिकल कॉलेज से। 1979 में मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, जिसके साथ एक अटैच हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पर बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होते थे, बाकी रेस्ट जो है ना आउट ऑफ पॉकेट। तो कोई हर मरीज अपनी कोई कहानी लेके आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, और कोई अपना घर बेच के आता था। और यहाँ तक भी वालदेन से सुना कि अपने जब जवान बच्चों के लिए कह देना कि एक डॉक्टर इसको मर जाने दे। तो इस सिचुएशन में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो डॉ मेडिकल कॉलेज 79 में स्टूडेंट ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स के लिए मेडिसिन देते थे, कुछ आपस में पैसे जमा करके अपने रिश्तेदारों को जमा करके। 1981 तक सोर्स ऑफ ब्लड इस मुल्क में सिविल हॉस्पिटल के बाहर प्रोफेशनल ड्रग एडिक्ट होते थे, जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर लेटे होते थे, और वो एक नॉर्मल इंसान 3 महीने में एक दफा ब्लड दे सकता है, ये लोग हफ्ते में एक दफा नहीं 2 दफा अपना ब्लड बेचा करते थे। इनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया और सिफिलिस। 81 में ये लोग स्ट्राइक पे गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए। बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ ब्लड, बहुत सारे मरीज मरे क्योंकि वॉलंटियरिज्म था नहीं। तो वो इस वक्त हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि आप ब्लड दें, उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लोग आगे आए, लेकिन दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंड वी थॉट कि वी कांट बी होस्टेज टू दीस पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। तो फॉर्चुनेटली मेरे पूरा फाल मेरे लिए निकला और 1982 में इस मुल्क का पहला हॉस्पिटल हॉस्पिटल ब्लड बैंक बना, जहाँ पर एक्सचेंज बेसिस पे मरीज के अटेंडेंस दिया करते थे, बाकी सब उसकी स्क्रीनिंग, उसके ऊपर जो खर्चा आता था वो हम लोग बर्दाश्त करते। और उस वक्त तक सबको होल ब्लड मिला करता था, चाहे प्लेटलेट की जरूरत है, फ्रेश ब्लड दे दो,
पैक्सल की जरूरत है तो लटका दो और ऊपर से प्लाज्मा अलग हो जाएगा। 1984 में फ्रैक्शनेशन यूनिट पहला बना वहां पर, और हमने जर्मनी से, मैं खुद गया ट्रेनिंग लेके आया, और उसके बाद लोगों को फ्रैक्शन मिलना शुरू हो गया और एक ब्लड से चार आदमियों को फायदा होना शुरू हुआ। जैसे शायद परेशी साहब ने बताया कि 1986 में कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर, आप सर बहुत सारे लोगों को पता होगा और अभी आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो शायद पैदा भी ना हुए हो। तो काफी सैकड़ों लोग मरे थे, हजारों जख्मी हुए थे। मैंने हाउस जॉब शुरू किया था, मुझे याद है कि मैंने इस पे यहाँ पर अपने डेड बॉडीज में से जख्मियों को निकालना और उनको फ्रेश पे ट्रीट करना। सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी बहुत छोटी और बुरे हाल में होती थी, तब हमने सोचा कि हम इसको नया बनाते हैं। और उस वक्त 1986-87 में तकरीबन कोई 36 लाख रुपए जमा हुए और पहली दफा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए और इस 36 लाख में से 24 लाख इन स्कूल के बच्चों ने जमा किए, 5 पैसे, 4 आने, 8 आने, 10 आने, कोई 3 लाख रुपए की रेजगारी थी। तो 19 इस दौरान हमारे ऊपर काफी जो है ना पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन हुआ, तो अंदाजा हुआ कितना मुश्किल है इनके साथ काम करना, बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1987 में ये डिपार्टमेंट शुरू हो गया। और लेकिन जब इसकी इनॉग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो अपने साथी मेरे साथ जमा थे, मैंने उनसे कहा था कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। और ये सब करके हम डिस्पर्स हो गए, कुछ मेरे दोस्त लंदन चले गए, कुछ यूएसए चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। मैं पाकिस्तान में रहा, मेरे वालिद साहब को पैराप्लेजिया था तो मैं उनका देखभाल करता था, और वो मुझे कहा करते थे कि वालिद साहब के इंशाल्लाह तुमको इस मुल्क में इतना मिलेगा जो कि तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिला। और एक हमेशा उनकी एक आदत थी, तहज्जुद गुजार इंसान थे, अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे। वो मेरे लिए सारी जिंदगी उन्होंने, और वो दुआ बावाज करा करते थे अपने बच्चे, बहन भाई, उनके बच्चों, अपने बच्चों के लिए नाम लेकर उनके लिए दुआ करा करते थे। और मुझे सारी जिंदगी याद है कि वो एक ही दुआ वो मेरे लिए करते थे कि डॉक्टर बारी को खिदमत खल्क के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। तो इसके बाद मैं कोई ट्रेनिंग के लिए अपनी फेलोशिप कार्डियक सर्जरी गया NICVD के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर फेलोशिप इन कार्डियक सर्जरी के लिए। जब वहां पहुंचा तो वहां पर कोई 3-2 ऑपरेशन थिएटर, 10 बेड का ICU और वेटिंग लिस्ट जो है ना कोई 3 साल की थी, और हमें पता था कि इसमें से ज्यादातर लोग वापस नहीं आएंगे। तब मैंने मेरे सर्जन रहमान से मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे पैसे दे सकते हैं दवाइयों के लिए, वाल्व के लिए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो, इससे कितने लोगों को फायदा होगा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लें तो मासेस को फायदा होगा। 3 महीने के अंदर कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपए जमा हुए और 2 ऑपरेशन थिएटर और 10 बेड ICU ऐड हो गए और वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 1995-96 में मैंने फेलोशिप की और सिविल हॉस्पिटल में डायबिटिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई बगैर किसी वॉट के, और ये खुशखबरी भी सुना दी गई कि अगले 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं। कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई, और हमने 2000 में कोई 15 करोड़ से एक कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल में बनाया। लोग मुझे कहा करते थे हुकूमत ने क्या मदद की आपने, मैं उनसे कहता था उन्होंने मुझे करने दिया, बनाने दिया, ये एक बहुत बड़ी उनकी जो हेल्प थी। 2000 में पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9000 ओपन हार्ट सर्जरी हो गए, तमाम फ्री, माशाल्लाह। 2004 में मेरे साथी भी वापस आ गए थे मुल्क से, बाहर से, तो मैंने उनको जमा किया और मैंने कहा हमने 1987 में एक ख्वाब देखा था कि हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, वक्त आ गया है कि उसको रियलाइज करें। हमने जगह देखनी शुरू की और कुरंगी में एक हॉस्पिटल, इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल के नाम से, एक डॉक्टर एक्सपेक्ट पाकिस्तानी अबूधाबी में थे, उनका एक उन्होंने ज़मीन हासिल की, अस्पताल बनाने की कोशिश की, नर्सिंग स्कूल बन गया, लेकिन आपस में ट्रस्टीज में कोई इख्तलाफ था। तो उस जमाने में 1992 के हालात कराची के बहुत ख़राब थे, तो आपस में कोई इख्तलाफ हुआ, वो ट्रस्टी, वो खुद जो डॉक्टर साहब थे उनके घर पर फायरिंग भी हुई, वो छोड़ छाड़ के चले गए। बाकी लोगों ने कोशिश की लेकिन ना हो सका। फिर हम जब देख रहे थे जगह तो हमको किसी ने कहा कि आप इनसे क्यों नहीं बात करते, 1 साल लगा उनको कन्विंस करने के। इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर है,
और यकीन, पुख्ता यकीन यहाँ से दिल से। जबान से हम लोग कहते हैं कि अल्लाह करेगा अल्लाह करेगा, लेकिन हमें पता होता है हम ऐसे ही कह रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि जो दिल से कही जाए और अल्लाह पे यकीन के साथ की जाए वो मुकम्मल ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों के पास गए, उन्होंने कहा कि शायद ये बंद हो जाए, ये फ्री नहीं चल सकता। 99.99% लोगों ने यही कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 12 साल हो गए, क्योंकि 2005 में ये काम शुरू हुआ था। आज कराची का हॉस्पिटल कोई तकरीबन 300 बेड का इस वक्त चल रहा है, उसकी एक्सपेंशन हो रही है। अब ये कोई तकरीबन 1200 बेड पे चला जाएगा। अभी कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है, नहीं तो हमारा ख्याल था कि 2021 की इसकी दिसंबर में हम शुरू कर देंगे। तो ये यकीन की जो बात है, इसके ऊपर मैं एक पहले डोनर के पास गया, उनसे मैंने कहा कि जी हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब बंद तो शायद चलेगा कैसे? मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए हम सब कहते अल्लाह चलाएगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उनको रोका और मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं होती, और मेरे नजदीक ये शिर्क है। तब उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और अल्लाह मियां जो है ना आसमान से तो नहीं फेंकेगा, कोई जरिया होगा। मैंने भी मौका गनीमत जाना, मैंने कहा जी आप दे देंगे। तो कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं दे दूं, लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें। तब मैंने उनसे ये कहा कि जी मेरा स्टांस वही है कि अल्लाह करेगा। आप बहस कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, या आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि आपके बच्चा ना करें, मैं समझता हूं कि आपके बच्चे के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि और नोइंग यू आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखे। दूसरा ऑप्शन ये कि अल्लाह ताला उसको आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा दे और मुझे 10 गुना 20 गुना ज्यादा दे। और तीसरा ऑप्शन जो आपका खदशा है कि अल्लाह ताला वो ना करे, अल्लाह किसी को दे के वापस ना ले। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और अगर तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और को डिफाइन कर दिया, वो वहां से टेक ओवर कर देगा। इस पे तब उन्होंने कहा कि आज पता नहीं मैं किस पागल के हत्थे चढ़ गया हूँ। तो मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप कितने सीरियस हैं? तब मैंने उनसे कहा था कि जी मैं समझता हूँ कि मैं इंसान का मिशन विजन पूरा हो नहीं सकता जब तक कि वो अपना आप, अपना आल औलाद, अपना माल खर्च करने पर तैयार ना हो। और जिस वक्त मैं कार्डियक सर्जरी बना रहा था, उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे था, वो मेरी 3000 रुपये तनख्वाह थी, मेरे पास एक किराए के घर पर रहता था, और अगर मैं एक ओपन हार्ट प्राइवेट करता तो मेरी साल की तनख्वाह निकल आती। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला नहीं, मेरे वालदैन की दुआएं मेरे साथ थी। तो मैं तो इतना सीरियस हूं, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा करें कि 10 करोड़ रुपए। जब मैं अस्पताल से निकला था, ठेकेदार को हमने कहा हुआ था कि बिल दे दिया करो जब, ताकि मांगने में आसानी हो। तो मेरे पास 10 लाख रुपए के बिल थे जो मुझे पेमेंट करनी थी, और अल्लाह ताला ने मुझे उस शख्स से 20 मिनट के अंदर कोई 10 करोड़ रुपए की कमिटमेंट करा दी। और मैं वहां से बाहर निकला, मैंने कहा लोगों को कि जी इंडस बन गया। तो मेरे दोस्तों ने वहां से मुझे कहा कि तुम यहाँ पहुंचो तो सही ना, ठेकेदार तुम्हारा इंतजार कर। मैंने उनसे कहा कि जी 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं, और हमारे फिर 35 करोड़ रुपए लगे। और आज 12 साल के अंदर हम 150 बेड से शुरू हुए थे, आज हम इस मुल्क में एक इंडस हेल्थ नेटवर्क बन गया है। तकरीबन 12 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में है, 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं, और माहाना तकरीबन 3 लाख मरीज इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफीज होते हैं। और पहले साल का बजट हमारा 10 करोड़ रुपए ऑपरेशनल था, आज हमारा बजट कोई तकरीबन समझे कि 15 अरब रुपए है। माशाल्लाह पूरे नेटवर्क में तकरीबन 1600 बिस्तर हैं। कराची का हॉस्पिटल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 2 सालों के अंदर यह 1200 बेड पे चला जाएगा। लाहौर में एक अपना हॉस्पिटल हमारा बन रहा है जिसमें तकरीबन 600 बेड का है, अगले साल इंशाल्लाह 200 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने हमसे अप्रोच करना शुरू किया। तकरीबन 12 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने 12 में से अदर 13 में से
चार हमारे अपने हैं, बाकी सब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिसके लिए फंडिंग गवर्नमेंट देती है और हम उसको मैनेज करते हैं। और पहले से ही हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का चार्टर हो चुका है, क्यों हम समझते हैं कि चैलेंज पैसा नहीं है, उसकी तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। असल चैलेंज लोग हैं, और लोग भी वो जिनके अंदर पैशन हो, जो इस तहरीक का हिस्सा हो, जो मिशनरी हो, ताकि इसको आगे ले सके। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, इस इंस्टीट्यूशन की सस्टेनेबिलिटी इदारे की है, लोगों से, बारी से नहीं है। और इंस्टीट्यूशन को बनाया ऐसे गया कि इंडस हॉस्पिटल इस वक्त मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं और वो एक पूरी टीम बन चुकी है, सब विजनरी मिशनरी है। मेरी हायरिंग का एक सवाल जिस पे हायरिंग का डिसीशन होता है कि ये को ले या न ले, वो ये होता है कि आखिरी सवाल में उनको एक खाली कैनवस दे देता हूँ, कार्डबोर्ड, और मैं उनसे कहता हूँ कि अपना विजन ड्रॉ कर दें, मिशन ड्रॉ करें इसके अंदर, और वो नजर आ जाता है कि ये हमारे लिए है या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, मैं पहले 10 साल दाऊद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी रहा। मैं दोपहर को 3:30 बजे इंडस हॉस्पिटल पहुंचता था। अस्पताल इन 10 सालों में अस्पताल वहां ही नहीं रहा जैसे मैंने आपको बताया कि यहां तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी जगह से हुआ कि जहां से मुझे अंदाजा भी नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैं इस यकीन के साथ गया था कि ये मुझे पैसे देंगे, उनसे आज तक नहीं मिला। वो कभी ऐसी जगह से मिल गया जहां मैंने सोचा भी नहीं। और ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम के अंदर है। आपने जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम शुरू कर रहे थे तो लोग ये कहा करते थे कि ये हुकूमत का काम है, आपका क्या चक्कर है इसमें, आप क्यों कर रहे हैं। 2007 में जब शुरू हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए 60 साल, और सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने तोड़ फोड़ भी हुई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा हेल्थ। अल्लाह ताला के पास जब हमने पहुंचना है, अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे बारे में सवाल पूछना है। अल्लाह ताला ने हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, नहीं मैं उनसे समझ लूंगा, अपना बताओ अजी। तो अगर हम किसी पोजीशन में हैं, कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो यकीनन उसका सवाल हो। तो हमने कहा था कि हम एक ऐसा निज़ाम बना देंगे इंशाल्लाह, जो पॉलिसी मेकर हैं वो आपसे बात करेगा, आपसे मशवरा करेगा, और विद इन 2 ईयर्स ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का सिलसिला शुरू हो गया। और जिस दिन यहाँ पर 26 फरवरी को पहला केस कोरोना का डायग्नोज हुआ, सुबह 8 बजे मेरे पास फोन आ चुका था चीफ मिनिस्टर साहब से कि एक इमरजेंसी मीटिंग है कोरोना के वायरस के ऊपर, उसकी स्ट्रेटजी। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर मैं जरूर बताऊं कि जी, रात 8 बजे केस डायग्नोस होता है, सुबह 9 बजे मीटिंग होती है, वहां जो प्रेजेंटेशन हुई तो जो शख्स इफेक्टेड था उसके साथ 28 लोग पूरा ग्रुप गया था ईरान ज़ियारत के लिए, उन सब के कांटेक्ट नंबर, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश। उसके बाद फिर 1500 लोग और भी लोग जो ट्रेवल किए थे उनके भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक सब इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए, इतना बड़ा काम हुआ है, ये सिर्फ 25 लोगों को पता है जो इस कमरे के अंदर है, इसको लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, इसलिए कि लोगों को ये पता हो कि कोई है जो इनके लिए फिक्र रखता है। और ये मेरे लिए खुशगवार हैरत थी कि जितना काम हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से सीएम साहब ने, जब ये हुआ तो मैंने कहा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ मोतबर लोग भी हमारे साथ बैठ जाएं ताकि उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन, इतना कोरोना के प्रोजेक्ट में इफेक्टिवली काम यहाँ पर हो रहा है, हुकूमत भी बहुत सीरियसली से पैसे, उन्होंने मुझे कहा कि जी हम शायद अपने प्रोसेसेस से जो है ना इतनी जल्दी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट आपसे कि अगर हम आप पैसे दें और आप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर, रादर एक दो दिन के अंदर, जो टेस्टिंग किट इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, 2 दिन के अंदर पहुंच गई, और कोई तकरीबन 10,000 टेस्ट पहुंच चुके थे। उसके बाद से और आगे बात बढ़ी है,
और एक हफ्ते के अंदर दो आइसोलेशन सेंटर कराची के अंदर 100 बेड के और 200 बेड के तैयार हो चुके विद वेंटिलेटर्स एवरीथिंग, क्योंकि एक निज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह और आज चल रहा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितना जल्द अज जल्द हो सके अल्लाह ताला इस वबा से हमें हमारी जान छुड़ाए। तो जो हम सब तो बहुत कमजोर इंसान हैं और ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह हमसे इस्तेमाल करता है। तो मुझसे ये पूछते थे कि जी आपका 15 अरब रुपए का बजट, 10,000 एम्प्लॉइज, आपको नींद कैसे आती? तो मेरे घर वालों को मुझसे एक ही शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता, इतने सुकून की नींद है। आज तक एक कोई ट्रंकलाइजर नहीं खाना पड़ा और जिस वक्त सोता हूँ उसी वक्त अल्लाह ताला 5 घंटे की नींद है, सुबह अल्लाह मैं उठा देता है, क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहे तो हम सब उठेंगे भी नहीं। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है और ये चीज इंशाल्लाह आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके इन्फेक्शियस है ये काम, दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, अच्छे काम होते जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान, एक सेहतमंद पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं और ये इदारा इंशाल्लाह चलते रहेंगे और उसमें बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जी पैसा कोई एक वैल्यू नहीं है, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए और आपने और यकीन पुख्ता हो कि घर में बैठना नहीं है, आपने मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पे ये नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ तो होगा, अपने अपने असबाब को इस्तेमाल करना और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करना और अल्लाह ताला अगर चाहता है तो अल्लाह ताला वो काम हो जाता है। तो पैसे ना होना एक नहीं मसला नहीं है, थोड़े से पैसों से भी हो सकता है। आप लोग आप समझते हैं जो मेमन कम्युनिटी हमारी वो बगैर पैसे के ही बिजनेस कर लेती है, कैसे कर लेती है कोई दूर तरीके की बात होगा। तो एक छोटा सा ये जर्नी थी और इसमें अभी एक क्राइसिस है, इस क्राइसिस ने बहुत सारी, हर क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है क्योंकि आदमी सोचता है कि इस पर पूरा ये जो कोरोना वायरस है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये ग्लोबल इमरजेंसी है और हर मुल्क को अपनी पड़ी हुई है। इस पर कोई चीज बाहर से, चाहे वेंटिलेटर हो, सिंपल किट्स हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, सिंपल जो सर्जिकल मास्क है वो लेके आ जाना, ये टेस्ट करने के लिए स्वाब और वीटीएम लेना, ये जो शेयर लाने से कम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पाकिस्तान में बन रहे हैं, कराची में बन रहे हैं, जो 3,000-3,500 की चीज थी वहां यहाँ पर 400-450 रुपए में बन रही है क्वालिटी। ये स्वाब एक साहब के पास पहुंच गया, वही चीज जो आपको सैंपल लेने के लिए नेजल फ्रेंजल से जो सैंपल दिया जाता है वो 300 रुपए का, क्योंकि जो चीज 50 रुपए की थी आज वो 1200 रुपए पे है या 300 रुपए, वही चीज हम जो पूरी किट हम लेते थे कोई 800 रुपए में, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन गई है और ये तकरीबन 150 रुपए के अंदर ये सारी चीज हमारे हाथ में आ रही है, क्वालिटी वही है। वेंटिलेटर पाकिस्तान में एक पहले बन चुका है टेस्टिंग में, हमारी अपनी टीम ने भी एक वेंटिलेटर बना दिया है, वो उसका फॉर्मेट बन गया है। और ये मैंने उनसे कहा था कि अपनी टीम के कुछ लोग बाहर से बिठाया था, हमने उनको टारगेट दिया कि $200 के अंदर बनाना है और एक हायर एंड $1,000 में बनाना है। इस बार एक नॉर्मल छोटा वेंटिलेटर जो कि बेसिक फॉर्मेट वाला वो मिनिमम तकरीबन 5 लाख रुपए का है और जो हायर एंड है वो 30-35 लाख रुपए का है। तो पहला वाला तैयार हो गया, उस टेस्टिंग में चला गया है, हायर एंड भी मई के एंड में तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह अब दुनिया बिल्कुल तब्दील होगी इस वबा के बाद, पेंडेमिक के बाद विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। और यहाँ पर मास्क भी बनना शुरू हो गए हैं, पीपीई भी बन रहे हैं, ये जो किट्स के जो वीटीएम जो मैंने बताया वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम ये भी यहाँ डेवलप हो गया है और थोड़े से पैसे, अब इसको आगे लेके चलना है, इसको इसकी वैलिडेशन हो ताकि कल हम एक एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक बन सके, क्योंकि वेंटिलेटर यहीं बन रहे होंगे। अभी एक टीम डायलिसिस के ऊपर काम कर रही है, इंशाल्लाह एक महीने में वो भी तैयार हो जाएगी, कुछ मॉनिटर्स हम बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, तो टीमें लगी हुई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से
इस वबा से हमारी जान छुड़ाए, तमाम आलम इंसानी की जान छुड़ाए, ताकि एक नॉर्मल जिस खौफ के अंदर हम रह रहे हैं। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान पॉजिटिविटी रहे कि जी हो सकता है, क्योंकि जो हस्ती है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नींद वो हस्ती न सोती है ना, उसके पास जीरो की कोई लिमिट है, उसने सिर्फ कहना है कुन फैकून और हो जाना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की। माशाल्लाह जनाब जी, कोई सवाल दाखला जनाब जी? सवाल सर, एक हमारे साथी ने कुछ सवाल पूछे, मैं तो मैं क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह 119 के करीब हैं, तो वो सवालों एक सर सवाल हमारे साथी ने पूछा है कि सर व्हाट वाज योर, जब आपने काम शुरू किया तो विजन छोटा होगा, आपके आपका विजन डेवलप होता रहा सर ग्रेजुअली, जो विजन था इमर्ज होता रहा, बड़ा होता रहा, या पहले से ये ख्याल था आपके ख्याल में? देखें आपने जो पहला एक विजन बनाया था जिसका एक एक पर्पस था, और वो शायद छोटा था कि हम एक अस्पताल बनाएंगे, और लेकिन उसका एंड एक चीज हमारे जहन में जरूर थी कि ये क्वालिटी केयर होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये नॉन नेगोशिएबल था, और उसका बेंचमार्क हमने ये रखा था कि जगह ऐसी बनाएंगे जहां हम अपना इलाज करा सके। तो ये जमानी जमा खर्च नहीं थी, मेरे अपने मेडिकल डायरेक्टर की वालिद साहब का ऑपरेशन क्या हुआ, मेरे टेक्निकल डायरेक्टर का बाईपास ऑपरेशन है, वो दुनिया में कहीं भी करा सकते थे, अमेरिकन सिटीजन थे, तो ये हुआ है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ जहां जहां देखा कि हमने, पहले हमने सोचा था कि हम एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएंगे इसको, और हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन से रिकग्नाइज करा लिया और हमारी फेलोशिप शुरू हो गई। इस वक्त तकरीबन 250 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कोई 50-100 के करीब ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदाजा हुआ कि हमें अंडर ग्रेजुएट पे भी कोई काम करना पड़ेगा, और हमने सोचा क्योंकि एक अपनी यूनिवर्सिटी भी बना ली है, तो चीजें इवॉल्व हुई, लेकिन अल्टीमेट पर्पस पता था, और ये पता था कि जी ये होना है, और हम इसको इसको इम्प्रूव करते चले गए, लेकिन पाथ अल्टीमेट पता था कि उसको ये करना है। अभी माशाल्लाह डार साहब की तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी माशाल्लाह का सफर जारी है जी, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ये यूनिवर्सिटी। एक और सर साथी हमारे सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प इंडस्ट्री, हम MBAs, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं पूरे बिखरे में न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, तो किस तरीके से आपसे क्या क्या किया जा सकता है जी पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर, एनी आइडिया जी? देखें एक तो ये है कि ये इस अपॉर्चुनिटी में मैंने एक ये क्राइसिस में एक और अपॉर्चुनिटी पे गवर्नमेंट से आज भी करा था कि अब हमें अंदाजा हो गया है अपने हेल्थ केयर सिस्टम का, अब इस वबा से जब निकलें तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि खुदा न खासा कभी ऐसा हो तो हमको भाग दौड़ ना करनी पड़े, ये सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत काम होना चाहिए। उसमें जैसे ये जो वेंटिलेटर बना, इसमें डॉक्टरों ने तो एक आपका उसका कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये प्रेशर्स चाहिए होते हैं, उसके बाद इंजीनियर्स आ गए उसके अंदर, आईटी के लोग आ गए, उन्होंने क्योंकि अब चिप्स विप्स अभी चीज़ आ जाती हैं उसमें, तो ये मिलके एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनी, उन्होंने इस किस्म को बनाया। आप इंडस हॉस्पिटल के विजन को आप हमारे एम्बेसडर हैं, बताएं कि ये चीज़ होना है, अल्टीमेटली पूरा पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो हम ना करें, इंडस्ट ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ और लोग भी पैदल हो जाएं, क्योंकि लंदन में किसी में गया था फंड रेजिंग के लिए, तो वहां पर किसी साहब ने एक कार कराया, तो उन्होंने कहा आई कंसीडर इंडस्ट एज द नेशनल हेल्थ NHS ऑफ पाकिस्तान, तो वो हम सब मिलके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सब मिलके, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ऐसे लोग जो IT में भी हैं, ताकि हम एक दुनिया को से पहले, और हमारे पास अच्छी बात यह है कि डेटा बहुत है, अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये IT वाले लोग भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो। मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो आज जूम मीटिंग हो रही है, अब यूनिवर्सिटीज हो सकता है बिल्डिंग की जरूरत ना पड़े, अब यह वर्चुअल यूनिवर्सिटीज बन रही हो, पूरी दुनिया से आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है। इस वक्त हमारे हमने एक और चीज जो इंडस हॉस्पिटल की जो फ्लैगशिप है वो इट्स अ टोटली पेपरलेस हॉस्पिटल सिंस 2007, ठीक है, टोटली वहाँ कोई पेपर का काम नहीं है। अब दुनिया शुरू में जैसे इंटेंसिविस्ट की शॉर्टेज होती थी, हमारा एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि डाव से ग्रेजुएट था, PWA बैकग्राउंड था, वो लॉन्ग आइलैंड से रोज ICU का राउंड करा करते, हर मरीज को देखते थे,
अपनी गाइडेंस देते थे। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, अब तो जैसे आपको पता है कि रोबोटिक सर्जरी, आज कोई कहीं बैठा हो अमेरिका से बैठ के यहाँ सर्जरी कर सकता है, सिर्फ कंट्रोल उसको देखना है, आपका नेटवर्क अच्छा हो, और ये अब वो 5G के आने के बाद दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। भाई साहब जजाकल्लाह जी। तो सर ये हमारे एक साथी हैं बिलाल साहब, उनका मैसेज आया है कि उन्होंने एक वेंटिलेटर जो है ना बनाने के लिए कंप्लीट मॉडल तैयार कर लिए 36,000 में। बिलाल साहब का आप थोड़ा सा बता सकते हैं इफ यू लाइक, अब अनम्यूट करके जरा बता दें क्या कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। और तारीख कहाँ से हैं? जी जी मैम, मोहम्मद बिलाल, दाऊद यूनिवर्सिटी कराची का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपने हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर फैजुल्ला बासी साहब उनके साथ और फैकल्टी के साथ और कुछ स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पूरा एक वर्कआउट किया था और पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और जिसमें हमने पूरा उसका एक 3D मॉडल और एक राइस यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर जिन्होंने एक वेंटिलेटर की रिप्लेस करने के लिए एक मॉडल तैयार किया था, हमने उनसे भी कॉन्टेक्ट में थे, तो उनसे कुछ चीजें हमने हासिल की हैं। तो अब है क्या कि कुछ प्रैक्टिकल कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें और कोई एक यूज वेंटिलेटर जिसको देख के हम सैंपल हासिल कर सकें, इसकी ये चीज मिसिंग है हमारे पास। बाकी मॉडल, उसकी डायग्राम्स, उसकी एक एक चीज, उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क हम कर चुके हैं। तो अगर किसी तरह ऐसा हो जाए कि हम इंडस के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, तो ये मैं बारी साहब से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो अब जी बारी साहब कुछ इनको एडवाइस जरूर इसको हो सकता है, लेकिन देख लें मैं समझता हूँ कि अगर इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो ईमेल है abarikhan@hotmail.com उससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं नहीं री इन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए, मैं उस टीम से मिला देता हूँ जिन्होंने यहाँ प्रोटोटाइप बना लिया है। हो सकता है जो इनके पास कागज में हो और वो इन रियलिटी हो, और उसमें दोनों के कोई इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। ये कर लेना चाहिए, जीरो से ना शुरू करें, हम कहीं पहुंच चुके हैं तो हो सकता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, या हो सकता है इनके मॉडल में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, तो मिलजुल के कर सकते हैं। ऐसा आइसोलेटेड चीजें बहुत जगहों पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है ना मिलजुल के काम करने की जो है ना फुकदान ज्यादा है हमारी ऑफिस में। बिलाल जब भी हो मेरे ईमेल दे दिया है मुझसे, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा उस टीम के साथ, उनके साथ बैठ जाए देखें, और हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो या कोई और चीज, जैसे भी हो सकता है। वी कैन जितने ज्यादा जहन होते हैं उतना अच्छा उसके अंदर बरकत भी होती है, और मशवरे ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली बेहतर चीज निकल सकेगी। जी आसिम हुसैन साहब हैं सर, MD-P साहब आसिम हुसैन साहब आप ऑनलाइन हैं सर, आपने कुछ सर कमेंट करना हो तो सर माशाल्लाह, और किसी को और सवाल आ सकता है तो यहाँ पर आप महल टेक्स्ट चैट में लिख सकते हैं। तो भाई साहब इस कोर्स में हम जैसे अलामा इकबाल ने फरमाया था कि दियार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, ये खुदा की बस्ती है, पीपल आर नॉट ए कमोडिटी। तो हमारा जो मॉडल है मैनेजमेंट का वो ट्रांजैक्शन सिखाता है कि लोगों को कमोडिटी बनाकर, तो उस हवाले से अब अलामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इस कोर्स के जरिए अल्टरनेटिव मैनेजमेंट का जो कोर्स है या एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उस हवाले से मतलब आपका पैगाम यह है कि जाहिर है अगर इंसान को कमोडिटी समझेंगे तो फिर वो, इसे अमेरिका में एक अस्पताल है जिसका नाम है मिस्टर पैच, पैच साहब एक डॉक्टर थे, पैच PATCH पैच, वो लोगों को हंसा कर उनका इलाज करता है। उसने एक ऐसा अस्पताल बनाया है जहां पर लोगों को जाती तौर पर, उसकी मूवी भी हॉलीवुड ने बनाई है और असली आदमी है, तो वो कहता है कि इंसानों को रिस्पेक्ट दो, उनकी बात सुनो, और वो इस हवाले से आपका क्या पैगाम है जी हमारे नौजवान बच्चों को कि हम अपनी एजुकेशन को लेते हुए और क्या क्या खूबियां डेवलप करें सर। जी जी बारी साहब जी जी डेफिनेटली देखें मैं समझता हूँ कि जी जो आपने पैच डैम की बात की थी, ये रूह जो है ना मेडिसिन की रूह जो है ना वो आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका कम्युनिकेशन है मरीज के साथ। आप उसको एक कमोडिटी नहीं समझे, वो एक जीती जाती है, उसको उसमें इससे इमोशन भी चाहिए होते हैं। आधा मर्ज मरीज का उस वक्त ठीक हो जाता है जब आप उससे बात करते हैं,
इस तरीके से, और वो उसको आप होप दिलाते हैं। जब होप के बगैर कोई चीज नहीं ठीक हो सकती, कोई दवाई असर नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर होप ना हो, जब तक। इसलिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो उसके ऊपर एक उसकी जी पैट एडम के नाम से उसकी मूवी भी बनी हुई है। वो सारा बेसिकली आप जिस तरीके से बात करते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को ये प्रोफेशन नहीं है, इससे पैसे नहीं बनाते। पैसे तो आ ही जाए, जो आपकी किस्मत में लिखे हैं वो आपको मिलने हैं, उसको हरा लो, हराना आपने खुद करना है, ठीक है। तो इसलिए जो ह्यूमन इंटरेक्शन और सवाल, और हमेशा अपने आप को उसके बूट पर रख के देखें, मरीज के बूट में रख के देखें कि वो आप जब इस पोजिशन में होंगे तो क्या होगा, या उसको अपने आप भाई, बाप, माँ, बेटी, बहन समझ के जब आप सोचेंगे, जो अपने लिए पसंद करें, जैसे है ना कि जो अपने लिए पसंद करो, अपने बहन भाई के लिए पसंद करो, फैसला वो जो मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए करूंगा, अपने वालदैन के लिए करूंगा, तो वही उसी के लिए होना चाहिए जिसके सामने है, वो भी किसी का बाप बाप है, किसी का बच्चा है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इमोशनल ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दवाई तो असर करेगी जब अल्लाह का हुक्म होगा उसके अंदर। एक ही मरीज के, एक ही किस्म के मरीज के लिए दो तीन मरीज एक ही दवाई करते हैं, किसी पे असर करती है, किसी पे नहीं करती। वो उसमें यही है कि आप तो एक जरिया है इन्वॉल्व एज अ डॉक्टर, बाकी तो अल्लाह ताला के हुक्म की जरूरत है, और जब भी जब आप क्योंकि मरीज के साथ हैं तो आपका जो है ना इंटरेक्शन, क्योंकि तो बड़ा सिंपल सा है कि जी आपने ये बेसिकली इसकी स्प्रेड जो है ना ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। जब खांसते हैं या छींकते हैं या थूक फेंकते हैं तो वो इसकी ट्रेवल डिस्टेंस है तीन चार फीट तक, उसके बाद ये जमीन पे गिर जाता है, किसी सरफेस पे भी चला जाए, टेबल हो गई, हैंडल हो गए, क्योंकि हाथों में होता है, जो अफेक्टेड मरीज होता है उसके हाथों से, क्योंकि आप वो हमें आदत होती है कभी अपने मुंह को बुझा रहे हैं, नाक को यूं कर रहे हैं आंखों के ऊपर, तो यहाँ से ये वायरस जो है ना आपके जब हाथों में आता है उस जगह से, जिस पे हाथ लगाया किसी मरीज ने जो वायरस थ्रो कर रहा है, तो आपके हाथों में आता है, फिर उसके जरिए आपके साथ। एक तो ये है कि आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखती है, मैं रादर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूंगा, इट इज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल क्लोजर, क्योंकि हम लोग अपने कामों में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों से भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उनको खाने के लिए भी बुलाते हैं तो मिस कॉल देते हैं। अब ये एक वक्त ऐसा था, और गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलना कोशिश करें जब तक कि ये वबा पेंडेमिक है, तो बहुत ही जरूरत हो तो बाहर जाए, हाथों को आप जो है ना सैनिटाइजर से, या सबसे बेहतर तो ये है कि बार बार अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं, और जो है ना जहाँ टेबल पे आप बैठ रहे हैं, जब रेलिंग आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो रेलिंग पे हाथ ना रखें, पता नहीं किसके हाथ लगे हैं। अगर आप पैसे से डील कर रहे हैं, करेंसी नोट्स को आप कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल कर दें कि फौरन बाद अपने आप को हाथ को धोएं या सैनिटाइजर लगा के उसको साफ करें। और जो है ना अगर आपको नज़ला खांसी है, मास्क लगा के किसी मजमे में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं, अगर आपको खांसी नज़ला है तो आप अपने ऑफिस भी ना जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें करके अंदर, जब तक कि उससे चीज आपका फारिग ना हो जाए। माशाल्लाह। एक और सर, हमारे सैफुर रहमान साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा फ्रीलांसिंग वॉलंटियर प्रोग्राम है इंडस हॉस्पिटल में, ही इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, अगर वो वॉलंटियर करना चाहें कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ आवर्स, ऐसा और प्रोफेशनल्स भी, कोई आपका कोई वेबसाइट है सर कोई ऐसा? जी वेबसाइट पर हमारा सब कुछ है। अभी तो कोशिश करें अस्पताल ना जाए, हम खुद भी बहालत मजबूरी जाते हैं, क्योंकि हमारा तो जॉब है कि हमको जाना है, हमारे लोगों को जाके इलाज करना है, और जितना आवाम इसके अंदर एहतियात करेगी उतना हॉस्पिटल्स में लोड कम होगा, उतना ही जो है ना ये वबा जल्दी ख़त्म होगी। तो ज़रूर हमारे वेबसाइट पे सारे वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, तो वो ये होता है ना, दामे दरमे सुखने, हर किस्म की मदद चाहिए। बस सर जियाउद्दीन साहब हैं आईटी प्रोफेशनल, ऐसे लोग हैं कि वो कह रहे हैं हम घरों से बैठकर भी काम करने को तैयार हैं, तो यानी कोई आईटी का कोई ऐसा काम हो तो बहरहाल जी इट्स ग्रेट। बिल्कुल जरूर, मेरे वेबसाइट है
और सदका जारी है के तौर पर फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं सदका खैरात के लिए। बिल्कुल जरूर, मैंने एक ईमेल है, मेरा अपना नंबर भी मुझे बता दें लोगों को, ताकि कोई व्हाट्सएप भी कर सकता है, तो मैं जरूर अपनी टीम को कहूंगा कि इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि अभी जो है ना आइंदा तकलीफ और आनी है, रमजान भी आ रहा है, लोगों ने अपनी ज़कातें भी देनी है। इस वक्त फोकस हमारा जो है ना सारा इस वक्त सारे सब लोगों का कोरोना के ऊपर है, और वहाँ बहुत सारी ओवर चीजें हो जाएंगी। हमको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कि कोरोना के अलावा मरीज हैं, जैसे कैंसर के बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, दिल की तकलीफ हो रही है लोगों को अस्पताल में, बाकी इलाज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से बाकी सब ठीक हो गए, वहाँ पर सर्जरीज भी चल रही है, तो जरूर क्योंकि इसका इम्पैक्ट आता है। मुझे फिक्र इतनी नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ, अल्लाह भी ने अपने अपने अपनी मखलूक के लिए कोई रास्ता पैदा कर देना है, लेकिन जरूर ये, ये हमारी लारेब साहब पूछ रही है कि सर कोई उम्मीद है कोई वैक्सीन की, कोई इलाज की इसकी कोई नजर आ रही है, कोई उम्मीद कोई होप? जी वैक्सीन डेवलप होने में यूजली साल से ऊपर साल दो साल लगते हैं, क्योंकि पहले तो अभी इसकी हयात ही नहीं पता लगी थी कि क्या चीज है, एक नया वायरस था वो के कोरोना फैमिली का वायरस है, बट इट इज इसने अपनी हयात तब्दील की थी, तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत है और इसके जो इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि शुरू में जब भी कोई नई चीज आती है तो आपकी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो ओवर रिएक्ट करता है। ये सारी जो सीरियसनेस हो रही है वो ओवर रिएक्शन की वजह से हो रही है, कि जो कि तकरीबन 3% लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली इल होंगे और वेंटिलेटर पर जाएंगे, और उनकी रिकवरी क्योंकि कोई दवाई है नहीं इसके लिए, तो अभी तक कोई दवाई स्पेसिफिक इसके लिए नहीं डेवलप हुई है, डिफरेंट ट्रायल्स हो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, लेकिन अभी ऑथेंटिक कोई दवाई नहीं आई है इसके लिए, तो इसलिए ये इसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी 85% जो है ना ये मामूली इफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगता उनको वो इफेक्ट, उनको इफेक्ट हो गए, लेकिन एक बात समझने की है कि जिसको एसिम्प्टोमेटिक है, ये कोई सिम्टम नहीं है, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनको ये हुआ हुआ है और ये वायरस थ्रो कर रहे हैं जो जहां जाएंगे। अगर हमारे जो कोई 60-65 लोग शुरू में जो ईरान से आए थे वो, और एक का जब पता लगे बाकी सब अपने आप को आइसोलेट करते हैं रिलीजियसली अपने घर के अंदर, तो ये कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं होता। जब कम्युनिटी में आ जाता है तो फिर वो आपके कंट्रोल से निकल चुका होता है, वो हर तरफ फैल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे सीरियसनेस का लोगों को एहसास नहीं है कि ये बहुत सीरियस मसला है। इसको समझने की बात है, कोई किसी कोई भी नहीं चाहता, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि अपनी मईशत वो तबाह करे, लेकिन इससे ज्यादा तबाह होगी अगर हम लोग बिल्कुल ओपनली घूमते रहे, अपने आप को आइसोलेट नहीं किया। देखिए आपकी मईशत बहुत अच्छी हो जाए लेकिन लोग ना हो, उस मईशत का क्या फायदा? बिल्डिंगें बन जाए उसमें रहने के लिए, लोग ना हो उसका क्या फायदा? दूसरी बड़ी अहम बात है, मैं लोगों को बहुत बार कहता रहता हूँ कि जी आप चाहे लोगों के लिए नहीं, चाहे हुकूमत के लिए नहीं, चाहे पाकिस्तान के लिए, आप अपने प्यारों का तो ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो अपने वालदैन जो जिनकी उम्र ज्यादा है और उनको कोई और भी तकलीफ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अफेक्ट होते हैं और ये सीरियस होते हैं और ये वेंटिलेटर पे जाते हैं, कोई नहीं चाहेगा, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उनके वालदैन उनकी वजह से किसी तकलीफ में पड़े और फिर उनकी जान जाए, कोई भी नहीं चाहेगा, और ना कोई ये चाहेगा उनके बच्चों के साथ ऐसा हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार एहतियात करें अपने प्यारों के लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने बच्चों के खातिर, अपनी मूवमेंट को लिमिट करके रखें और एहतियातें करें। आई थिंक जस्ट फ्यू मोर क्वेश्चन से, एक साथी ने पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का चार्टर कब मिल रहा है, क्लासेस कब शुरू होंगी अंडरग्रेड की मेडिकल कॉलेज की? सर कोई जी हमारा इरादा तो अभी तक ये था कि हम 2022 में शुरू करेंगे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा अभी ये हालात कब तक रहते हैं, उससे कितना डिले आता है, क्योंकि डेफिनेटली काम रुका हुआ है और उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, तो वो भी रुक गई है क्योंकि अभी तो सब सर, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये ट्रेडिशनल कॉलेज से डिफरेंट होगा इंशाल्लाह, मेडिकल कॉलेज से यानी डिफरेंट मेमोराइजेशन की डिफरेंट? नहीं नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, हम समझते हैं कि एक तो ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर डॉक्टर जो यहाँ से निकलेगा वो एक पैशनेट डॉक्टर होगा। अच्छा, जज्बा और जुनून, दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर जो है ना मेडिसिन बेहतर नहीं हो सकती है। जब तक पैशन ना हो ना किसी के अंदर, वो चाहे मेडिसिन हो चाहे कोई काम हो,
जब तक पैशन नहीं होता वो आप उसको एक्सेलेंस नहीं अचीव कर सकते। जी 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 मेरा एक सवाल है सर, जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ सर, आसिफ। जी आसिफ साहब जी फरमाइए। अच्छा सर, जो भी कामयाब शख्स होता है तो उसके लिए उसके पास ईमान ईमान की ताकत होती है और मुस्तकिल मिजाजी होती है, और जो कि माशाल्लाह आपके पास है और इसी वजह से माशाल्लाह आप इतने कामयाब हैं और अल्लाह ताला और हमारा फ़खर है, पाकिस्तान का फ़खर है आप माशाल्लाह से, तो ये मुस्तकिल मिजाजी और ये ईमान की ताकत कैसे हासिल कर सकता है एक आम बंदा, मेरे जैसे एक आम बंदा? बहुत अच्छा सवाल किया जी, बड़ा मुश्किल सवाल भी है और आसान भी, और आसान भी है। देखिए ये एक दफा डिसाइड करना है आपने खुद सेल्फ, मतलब अंदर से डिसाइड करना है कि मैंने ये करना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक डिसीजन हो गया, और ये यकीन है कि जो चीज यकीन इस पे आ जाना कि दुनिया में कोई पत्ता हिल नहीं सकता बगैर मशीयत खुदावंदी से, ये यकीन आ जाना और फिर उसके ऊपर उसको करना, तो आप खुद फैसला कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये, और आप जब एक रोल मॉडल मिलता है लोगों को, लोगों से आपको पता लगता है कि ये इस, क्योंकि आज से जब 2007 में या 5 में हम शुरू कर रहे थे तो वो ईमान बिल गैर था ना, अब तो 12 साल हो गया ईमान बिल जाहिर हो चुका है, जाहिर हो चुका है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, करके तो देखें, डिसाइड तो करके तो देखें, और ये बहुत आसान है माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे बाहर के मेहमानों को हम सऊदी अरब से, अगर कोई है मिडल ईस्ट से, थाईलैंड से, साउथ ईस्ट एशिया से, अगर कोई है यूएस कनाडा, तो आपको एज अ थोड़ा सा आपको हम एज ओवरसीज हम आपको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। न्यूजीलैंड से मुबशर साहब हैं, अगर कोई पूछना चाहे तो, वरना फिर हम आगे चलेंगे जी। और हम बस सर, कुरान पाक की एक आयत मुबारक है सर, डॉक्टर बारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखराजा, और जो तकवा इख्तियार करता है हम उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं, वयर्ज़ुखु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जिसका, जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। और जब हमने उलमा से पूछा कि रिस्क का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत, अच्छे दांत, अच्छी बेगम, अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, अच्छी नींद, ये सब रिस्क के अंदर शामिल है, दिस इज होल पैकेज। हाँ जी, फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं मम यतवक्कल अल्लाह, जो अल्लाह पर ट्रस्ट कर लेता है फहु हस्बुहु, वो उसके लिए काफी होता है। और फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं मम यतक्किल्लाह यजअल लहु मिन अमरिहि युसरा, जो तकवा इख्तियार करता है हम उसके कामों को आसान कर देते हैं। तो ये यानी आप ये देखें कि आसान कर देना, आइडियाज निकाल देना, रिस्क का दे देना, अल्लाह का काफी हो जाना। और फिर हमने स्कॉलर से ये भी पूछा कि तकवा का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि तकवा में इबादत भी है, माशरत भी है, यानी ना अपने थूक को भी गलत जगह फेंकना वो भी तकवा है, मतलब आप एनवायरमेंटली भी केयरफुल हों, एथिकली भी केयरफुल हों, सोशली भी केयरफुल हों, हमसायों का ख्याल रखना, अपने जानवर का ख्याल रखना, ये सब तकवा है, ड्राइविंग का सही करना भी तकवा है। तो ये हमारी लर्निंग हो रही है इस कोर्स में, अल्टरनेटिव मैनेजमेंट के कोर्स में, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर बारी साहब के। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारे हमारी लर्निंग प्रोसेस में हेल्प की, और ये हम सब अल्लाह ताला के आगे दुआगो हैं, और हमें तौबा भी करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार भी, अज़ाइम भी। तो छोटे से सर को दुआ करा दें बारी साहब, कोई आप फाइया कलमात से आप हमारे नौजवानों को, इसमें हमारे नौजवान भी हैं, शफीक साहब जैसे 60-50 साल वाले लोग भी हैं, चेज़ब के CEO हैं माशाल्लाह, सलमान साहब, अनवर डार साहब जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के बानी हैं गुजरांवाला में वो भी हैं, बल्कि जर्मनी से भी आना था डॉक्टर कियानी साहब, वो मुझे कह रहे थे कि बारी साहब को मेरा मैसेज दें कि मुजफ्फरबाद में हमारी जमीन पड़ी हुई है, अगर किसी काम आ जाए तो इसका ये माशाल्लाह। राव साहब कुछ कहना जी? जी बस अल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा सेशन था, और अगर किसी से गला गला सर, आप लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर, आप बस दुआ करें हमारे लिए भी, और हम सब इंशाल्लाह एक दूसरे पे, हमारी वेबसाइट भी बता, सवाल हां शफीक साहब, चलें शफीक साहब सर, ये टैनरी इंडस्ट्री से ताल्लुक है जी, बताइए सर, शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर।
एक सवाल सवाल एक ये है कि दिसंबर में ये पता लगा कि चाइना से ये पहला वुहान से केस आया है, ठीक है, फरवरी तक सब कुछ सही था और WHO ने भी इसको पेंडेमिक नहीं कहा, लोगों ने ट्रैवलिंग की, यूरोप भी गए, मैं भी इटली में गया हुआ था, 28 तारीख को वापस आया हूँ। तो बात ये है कि चाइना अगर देखा जाए तो हम गए वहाँ, वो इतना बड़ा है, तो वहाँ चाइना में उसके ना गांगजू में आया, ना शंघाई में आया, ना शेंजन में आया, ये चीज़ आई पूरा चाइना में, कुछ भी इसको नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो अब जो सिचुएशन है पूरे दुनिया की, तो ये इसके बारे में जरा रोशनी डालें कि ये क्या वजह हुई कि चाइना की इतनी बड़ी आबादी थी और सिर्फ 3200-3300 लोग हैं और दूसरी तरफ आज 160,000 लोग जो है इसके शिकार हो चुके हैं और 22-23 लाख बंदा जो है इन्फेक्टेड है। शरीफ साहब, ये मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट चाइना को देना चाहिए, चाइना ने जितना इफेक्टिवली इसको कंट्रोल किया, अगर किसी और मुल्क में होता है ना तो इससे ज्यादा बुरा हाल होता दुनिया का। तो चाइना ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, देखिए वुहान शहर को उन्होंने बिल्कुल दुनिया से बंद कर दिया, पूरी दुनिया से, एक पूरे 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 शहर को लॉकडाउन कर देना। लॉकडाउन ऐसा नहीं था कि जैसे आप सोचते हैं, वो तो ऐसा था कि जी बिल्कुल कोई कर्फ्यू से भी बदतर था, और उसने उन्होंने फिर उसके बाद उनके दे वर द फर्स्ट वन के जिसके अंदर ये आया, और वो तो अनआर्म्ड थे, उनको पता भी नहीं था क्या चीज है, दिनों के अंदर उन्होंने चीजों को निकाला कि वायरस है क्या, उसकी किट डेवलप कर दी जिसके अंदर टेस्ट हो सकते हैं। तो उनका रिएक्शन टाइम वाज सो फास्ट कि ये दुनिया में कहीं नहीं बढ़ा। ये उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद जो है ना, बाकी लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, किसी ने डिलेड रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तान में भी डिलेड रिस्पॉन्स, एक सूबे ने बहुत जल्दी कर दिया, बाकियों ने वेट किया, फिर उसको फॉलो किया। अगर ये सब एक ही तरीके से एक पूरे मुल्क में शुरू में एक तरीके से हो जाता तो आज ये हालात नहीं होते। लेकिन फिर भी इसमें क्रेडिट गोज टू चाइनीज गवर्नमेंट के जिस तरीके से उन्होंने उसको कंटेन किया। फॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में वैसा नहीं है जैसे यूरोप में था और नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन ये भी लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से हुआ। अभी दुआ करें कि अभी कुछ ईज आउट हुआ है तो उसमें ये बढ़े नहीं, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान वाज नॉट रेडी कि वैसा कि हमारा ये, और फिर हमारा अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो बहुत फ्रेजाइल है तो उसमें इतनी चीज नहीं है, तो हमको तो लॉकडाउन बहुत ही जरूरी था क्योंकि एकदम स्लो चीज आए तो मैनेज कर सकते थे, एकदम आता जैसे यूरोप वगैरह में हुआ तो हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल होता। अल्लाह ताला का करम भी है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो दुआ भी कर रहे होंगे जिनकी दुआ के असरात भी होंगे। जी माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया जनाब। हम फिर डॉक्टर साहब आपको रुख्सत करते हैं सर, और बाकी सामईन को भी कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से हम इख्तिताम करते हैं सर। उनकी हदीस मुबारक है, खैरुन नास मन यनफा अन्नास, कि इंसानों में से बेहतरीन वो है जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। तो आज के तीनों हमारे सेशन से पहले डॉक्टर मजहर साहब तशरीफ लाए थे सर, जिन्होंने काई अस्पताल बनाया हुआ है कराची में, उन्होंने अपनी कहानी थोड़ी सी शेयर की। फिर अनवर डार साहब जो डॉलर ईस्ट के थे, फिर एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसका विजन उनका ये है कि मैंने अच्छे फादर्स और अच्छे मदर्स प्रोड्यूस करने हैं। और उसके बाद आपका तो तीन कहानियां थी आज हमारी सेशंस और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड मैनेजमेंट। और हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान व तआला सर, अल्लाह ही हमारे मालिक और खालिक हैं, तो मैं शुक्र गुजार हूँ आप लोगों का भी सबका। तो सर बहुत शुक्रिया जनाब भाई साहब, और अल्लाह आपको आफियत रखे सर, रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम जज़ाकुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।